वाचन युवा महोत्सव के आयोजक अध्यक्ष दिनेश जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय ज्ञान प्रकाश भैया, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले, और उसके बाद इस प्रांगण में उपस्थित तमाम हजरात, तमाम हाजरीन जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, उनको सलाम। जो हम उम्र हैं उनको ढेर सारा प्यार, और जो हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा आशीर्वाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का वक्त इतना बिजी है, हर व्यक्ति हर शख्स इतना बिजी है, लेकिन बिजी समय में दिनेश भैया आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं कहता हूं कि आजमगढ़ क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए आपके बारे में कि आप पूर्वांचल युवा महोत्सव कर रहे हैं, और ऐसे महोत्सव हमारे देश के हर प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही लोग हमारे देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे, हमारे देश के युवाओं का भविष्य निर्धारित करेंगे। आज इस महोत्सव के जरिए भैया ने बताया कि जो भी जिस स्किल में माहिर है, वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्पोर्ट्स हो, मेहंदी हो, इसके माध्यम से आप जब स्टेज पे आते हैं तो आपकी व्यक्तित्व को, आपके स्किल को, आपका प्रदेश, आपका देश और पूरा समाज देखता है। आप में एक हौसला आता है, सबसे बड़ी हिम्मत आती है, जब आदमी के अंदर हिम्मत आती है, हौसला आता है, तभी वो जाके आगे बढ़ता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि एक्टिंग तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब उसको कैमरे के सामने आकर एक्टिंग करना होता है, स्टेज पे आके बोलना होता है, अपनी बातों को रखना होता है, नहीं कर पाता, तो स्टेज बहुत बड़ी चीज है। देखने में कुछ लोग कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन देखना, बोलना और करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा दिनेश भाई एक बार आपसे फिर से कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया। आपके साथ हमेशा ज्ञान प्रकाश भैया का साथ रहा है, और मैं आप सभी भाइयों से, यहाँ पे उपस्थित तमाम आवाम से, और दिनेश भाई आपसे और ज्ञान प्रकाश भैया आपसे मैं कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं भैया से कहा भी कि मैं हर साल जब भी ये प्रोग्राम होगा, जब भी महोत्सव होगा, मैं अपने सुनील से अपना कीमती वक्त निकाल के मैं जौनपुर आऊंगा। आप लोगों को बता दूं कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, और गाजीपुर यहां से पास नहीं है, और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा बनारस से हुई है, और आज मैं मुंबई में हूं पिछले 10 वर्षों से आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मिलजुल के इस महोत्सव को और आगे बढ़ाए। एक बार फिर सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल। मैं आज अपने